ये इश्क तुम न करना ये रोग फिर सोग भी मनाए। हे गाइस, तो अभी जो आपने रील्स देखोगे तो आज मैं उस रील्स को एडिट करके बताऊंगा। तो गाइस, उसमें से बहुत सारे PNGs यूज़ किया मैंने, जो ब्रोकन स्टार वाला, ठीक है, जो मून वाला, बहुत सारे PNGs से मैंने आपको ये कैंडल लाइट वाला बहुत सारे PNGs यूज़ किया है। तो गाइस, इस सब के बारे में बताऊंगा और इस रील्स वीडियो को अच्छे से एडिट करके बताऊंगा आपको। और गाइस, इस PNG का लिंक तो आपको बहुत सारा मतलब मिल गया होगा, लेकिन आपको मैं एक और PNG का लिंक दे दूंगा जो आपको साइड में स्क्रीन को देखने में मिल रहा है। गाइस, ये भी PNG बहुत ही OP है, तो आप दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे वो आपको ऐड कर लेना है। बिकॉज गाइस, मैं आपको ये PNG एडिट करके इस पर वीडियो एडिट करके बताऊंगा। बिकॉज जो गाइस है, मैंने इसमें चैट थीम वगैरह ऐड की थी, तो आपको मैं ये एडिट करके बताऊंगा, आप अपने हिसाब से वो भी कर ही सकते हो। तो चलो गाइस, बर्दा बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो की तरफ। सो गाइस, देख सकते हो ये वो रील्स है जो मैंने अपलोड की है। तो इसमें बहुत सारे देख सकते हो मैंने कितना सारा PNGs यूज़ किया, आप देख सकते हो बहुत ही। तो गाइस, एक बार मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये लाइट जो इफेक्ट्स है, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बना दिया गाइस, तो वो भी आपको एक बार डिलीट कर लेता हूं इन सबको, ठीक है, जल्दी से। तो गाइस, देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से जो क्लिप थे वो डिलीट कर लिया। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। इस तरीके से आपको PNG सेलेक्ट करके ला लेना है, फिर गाइस इसको इसके नीचे लाकर इसके डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। गाइस, ये हर वीडियो में बताता हूँ, तो इस वीडियो में आप समझ जाऊँगा कि इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा तो समझ जाऊँगे। तो इस तरह से आपको कुछ नीचे लाना है, फिर नीचे लाने के बाद गाइस आपको इसकी क्रोमा की कर लेनी है। तो मैंने ऑलरेडी इसके क्रोमा की करी हुई है, तो आप अपने हिसाब से क्रोमा की तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस PNG के ऊपर गाइस, अभी क्रोमा की आप मत बोलना कि भाई हमको क्रोमा की वापस से बताओ। गाइस, हर वीडियो में क्रोमा की मैं हर बार बताता हूँ, तो अभी तो आप कर ही सकते ही होंगे, ठीक है। देख सकते हो इसमें जो प्लानेट दिखने को मिला, उसमें मैंने लिरिक्स को प्ले किया था। गाइस, लिरिक्स को मैंने प्ले कैसे किया था अब मैं बताऊंगा। तो इसको लिरिक्स को आपको ऐड कर लेना है गाइस, ठीक है। फिर ऐड करने के बाद आपको मास्क पे क्लिक करना है, मास्क पे क्लिक करने के बाद आपको जो गाइस है रेडियल वाला जो सिलेक्ट कर लेना, तो कुछ इस तरीके से होगा। फिर आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी, ठीक है, हिसाब से कुछ है। तो आपको इस प्लानेट के हिसाब से इसको करना है, इसे अच्छे से एडजस्ट करना है इसको कुछ इस तरीके से। गाइस, ये करने के बाद आपको फिर क्या करना है, इसकी ऑपेसिटी है जो मैंने कम कर दी हुई है, तो आपको भी कुछ आपने ये वीडियो के हिसाब से इसकी कर लेनी है ऑपेसिटी कुछ इस तरीके से। फिर गाइस, आपको वीडियो को प्ले करना, तो ये देखिए, ये इश्क तुम न करना, ठीक है। फिर ये करने के बाद गाइस, फिर नेक्स्ट क्लिप आता है जो एफेक्ट्स ऐड किया था मैंने गाइस, ठीक है, जो नॉर्मली एफेक्ट्स ऐड किया था। तो गाइस, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया आपको अच्छे से समझने के लिए, उस वीडियो को देखना, तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से वो एफेक्ट्स भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद गाइस आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको ओवरले पे क्लिक करना, ओवरले पे क्लिक करने के बाद गाइस इसकी ऑपेसिटी आपको अप्रॉक्स अपने वीडियो के हिसाब से कर लेनी, आपका वीडियो कैसा है उस हिसाब से कर लेनी, ठीक है। मैं अपने वीडियो के हिसाब से कर रहा हूँ, तो क्या पता आपको एडजस्ट हो या नहीं हो, तो आपके वीडियो के हिसाब से इसकी कर लेने। तो गाइस, इसकी ऑपेसिटी को मैं थोड़ा और कम करूँगा कुछ इस तरीके से, तो आपको अपने वीडियो के हिसाब से कर लेने, ठीक है। तो ये करने के बाद गाइस, जो नेक्स्ट शेप थी जो मैंने हट करके बनाया था, अपना शेप बनाया था, ठीक है, तो वो शेप मैंने कैसे बनाया था वो चलो आपको बताता हूँ। तो गाइस, आपको क्लिप आपका ला लेना, कोई सा भी एक क्लिप ला लेना आपको जो अपने वीडियो में ऐड करना था, कुछ इस तरीके से मैं वो क्लिप लाऊंगा गाइस। सो गाइस, मैंने जो मेरा क्लिप है ला लिया, आप अपने हिसाब से कोई सा भी क्लिप ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। गाइस, ये करने के बाद आपको गाइस वापस मास्क पे आना, मास्क पे आने के बाद आपको जो आपको शेप सेलेक्ट करना वो होता है हट वाला सेलेक्ट करना, कुछ इस तरीके से इसका शेप बन जाएगा। फिर गाइस, आपको अपने वीडियो के हिसाब से इसका जो आपको साइज सेलेक्ट कर लेने कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको इसको हल्का सा स्वाइप अप कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर करने के बाद ये अपने वीडियो में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसके गाइस, आपको ऑपेसिटी कम टच करने का ऐसे आप इसके भी कर सकते हो। फिर गाइस, मैंने इसके नीचे कैंडल रखी थी कैंडल लाइट, तो वो आपको स्टॉक पे क्लिक करना और इसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो फिर मैं जल्दी चला जाता हूँ। तो गाइस, मैंने ला लिया कैंडल भी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो इसको मैं क्रॉप करूँगा गाइस, आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्रॉप भी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्रॉप कर दिया, ब्लेंडिंग पे आऊँगा, ब्लेंडिंग पे आने के बाद लाइट एंड स्क्रीन को सिलेक्ट करना था अपने वीडियो के हिसाब से, ठीक है। तो फिर आपको गाइस ये देख सकते हो, इसको अपने वीडियो के हिसाब से छोटा भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। ये करने के बाद आपको अगर हट का शेप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो अपने वीडियो के हिसाब से कुछ इस तरीके से। ये करने के बाद गाइस, ये नेक्स्ट इफेक्ट हो गया। फिर गाइस, मैंने इफेक्ट डाला था जो ब्रोकन स्टार वाला था, तो गाइस उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सारे PNG से जो आपको डाउनलोड कर लेने। तो गाइस, मैं वो PNG भी ला लेता हूँ। सो गाइस, मैंने ये PNG भी ला लिया, तो कुछ इस तरीके से जो शूटिंग स्टार है वो उसका स्टार्ट होना है यहाँ से। तो गाइस, मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर दूंगा कुछ इस तरीके से, फिर इसको मैं अच्छे से एडजस्ट करूँगा। फिर गाइस, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ अपने हिसाब से क्रोमा कर सकते हैं, क्रोमा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो ग्रीन कलर है गाइस वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको कर लेनी है इसकी एडजस्टिंग। आपको गाइस चाबे पर रखना रख सकते हो, मैंने इसको ऊपर रखा था, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कहाँ पर भी रखना है तो उस हिसाब से, ठीक है। गाइस, रखने के बाद कुछ इस तरीके से होगा वीडियो, देख सकते हो कितना OP लुक आएगा गाइस आपका वीडियो में।
देख सकते हो गाइस कितना एकदम फील होने को आएगा वीडियो। फिर गाइस जो नेक्स्ट इफेक्ट था वो आपको फिर ऐसा कोई वीडियो सेलेक्ट करके ला लेना गाइस, जब मैं जब वापस से वीडियो लाऊंगा सेलेक्ट करके तो वीडियो जो बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कोई जो मेन वीडियो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर आपको रेडियल पर क्लिक करना है तो इसका सर्कल है जो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। ये सर्कल में कन्वर्ट होने के बाद गाइस इसको नॉर्मली आपको हल्का सा स्वाइप कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर आपको इसके साइज को एडजस्ट करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको जहाँ पर भी रखना है। तो ये जो प्लानेट आ रहा है उसके ऊपर ही मैं ध्यान से रखूंगा इसको कुछ इस तरीके से, देख सकते हो गाइस मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। तो गाइस अब देख सकते हो पूरा वीडियो एडिट हो गया, तो चलो मैं आपको प्ले करके बताता हूँ इस वीडियो को। सो गाइस वीडियो एडिट हो गया और इस सारे पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारे पीएनजी डाउनलोड कर लेना है और अपने वीडियो में लुक लाना है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।